हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला डोसा जो सबको पसंद होता है। तो जिसके लिए हम बनाएंगे पोटैटो फिलिंग मसाला के लिए और हमारा डोसा बैटर। सो जिसके लिए मैंने ली है ब्लैक ग्राम स्प्लिट्स, जिसे कि हम उड़द दाल कहते हैं, थोड़ी सी चना दाल और चावल। सो 3 कप चावल और 1 कप उड़द दाल, जिसको हम 7 to 8 आवर सोक करने के बाद मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। फिर हम उसको फर्मेंटेशन के लिए 9 to 10 आवर्स वन प्लेस पे रखेंगे, और जिसके लिए हम ओवन में भी रख सकते हैं और धूप में भी रख सकते हैं। और आप देख सकते हो कि इतना अच्छा फर्मेंटेशन आया है। सो इसको आप उत्तपम और इडली के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अब हम पोटैटो फिलिंग बनाएंगे, जिसके लिए हम ऑयल में थोड़ा क्यूमिन सीड्स और राई डालेंगे। फिर उसके बाद हम हींग और ग्रीन मिर्च का तड़का बनाएंगे, जिसके बाद हम उसमें जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसमें ऑनियन डालेंगे और उसे सौते कर लेंगे। फिर पोटैटो बॉईल करने के लिए रखेंगे, और आफ्टर बॉइलिंग द पोटैटो हम वो ये फिलिंग में ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम सॉल्ट पाउडर, टैमरिक पाउडर ऐड करके कोरिएंडर लीव्स से साथ हम उसे सर्व कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारी बहुत टेस्टी सब्जी तैयार हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद हम जो हमारा बैटर रेडी हुआ है उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला लेंगे, और वो बैटर को तवे पे फैला लेंगे, और बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी लिक्विड सी होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद बैटर को तवे पे स्प्रेड कर लेंगे, और आप उसमें पालक प्योरी और बीट की प्योरी भी मिला सकते हो। अगर आप अपने बच्चों को कलरिंग डोसा खिलाना चाहते हो तो आप इसमें पालक प्योरी और कैरेट की प्योरी भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत टेस्टी डोसा तैयार हो रहा है। उसके ऊपर आप पोटैटो फिलिंग डाल के उसे सर्व कर सकते हो। सो मेरी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप कौन से अलग अलग डोसा ट्राई करते हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय।